सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। पहले तो मैं आपके हरियाणा चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने जितने भी मुद्दे हैं वो बड़े ज़ोर शोर से उठा के हमारी आवाज़ है जो तो सरकार तक पहुंचाते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3-4 मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो ये है कि हमने एक अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन दिया था तूड़ी के बारे में। गौशालों में तूड़ी की समस्या थी, उन्होंने पर बड़ा संज्ञान लिया और बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम जिला प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक प्रशासन से अपील भी करेंगे कि गौशाला में अब तक काम चलाओ चारा उपलब्ध हो चुका है, और प्रशासन से ये अपील करेंगे कि जिन गौशालाओं को अभी चारा का अभाव है उनकी भी वो मदद करने का कार्य करें। दूसरी बात, आप मीडिया माध्यम से हरियाणा सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गौशाला ने जो चारा उपलब्ध करवाया है, गौशाला के पास पैसे की कमी थी, उन्होंने कर्ज ले लेके गांव से लोगों से और वो व्यवस्था करवाई है, इसके लिए हरियाणा सरकार तुरंत प्रत्येक सिर्फ हरियाणा जिले की प्रत्येक गौशालाओं को प्रत्येक गाय के पीछे 1,000 रुपये तुरंत सहायता राशि उपलब्ध करवाए। एक मुद्दा ये था। और उसके बाद में एक ये जो गौशाला संचालक जो जितनी इतनी मेहनत करके इस गौशाला को चलाते हैं उनके प्रति एक ये पता नहीं कौन विफल प्रचार है, एक फसार है, क्या है जो इतनी गलत मतलब उनके बारे में भावना करता है, उसकी हम निंदा करते हैं। सभी गौशाला संचालकों से भी निवेदन करूँगा कि जहाँ भी वो मिले तो उसकी गौर निंदा की जाए। इसके अलावा जिला में एक कोई गौशाला संघ बना हुआ है, पता नहीं क्या है उसके, वो अपने आप को प्रधान सचिव कहते हैं। पहले तो उन्होंने ज्ञापन दिया था उपायुक्त को कि भाई जिले में गौशाला है जो बार तूड़ी उस पर रोक लगाई जाए। चंद दिन बाद कोई दूसरे स्टेट की थी कौन सी गौशाला आई, उन्होंने कहा भी ये धारा हटाई जाए, तो वो उनके साथ भी लग लिए। इन दो तरफा लोगों से बचना चाहिए, जितने भी गौशाला संचालक हैं वो इन दो तरफा जो लोगों हैं जो संघ बना रखे हैं जो उनके कोई प्रधान है, कोई उप प्रधान है, कोई सचिव है, ऐसे लोगों से बचें। तो प्रधान जी, अब यहाँ पे जब तूड़ी के रोक लगाने पर चर्चा आए थे तो राजस्थान के किसान जो आए थे, राजस्थान के गौशाला संचालक आए थे, तो उनका कहना था कि वो राजस्थान जो है वो हरियाणा पंजाब पे डिपेंड है, अगर हरियाणा में इस तरह से तूड़ी पे रोक लगा दी जाएगी तो उनकी गौशाला क्या खाएगी। नहीं देखो, गौशाला सभी जगह एक ही है, ऐसी हरियाणा की गौशाला है ऐसी वही है। उस टाइम में क्या किया था, व्यापारियों ने मनमाने दाम बढ़ा दिए थे, इसलिए थोड़ा सा उन व्यापारियों पर रोक लगाई गई थी। वो प्रशासन, इसीलिए प्रशासन का धन्यवाद करें, इसीलिए हम प्रशासन से दोबारा अपील कर रहे हैं, वो उस रोकान जो रोक लगाई गई थी तो व्यापारियों का रुझान कम हुआ, तूड़ी के रेट भी डाउन हो गए और सिरसा जिला के अंदर है गौशालाओं के अंदर है, ज़्यादा तो नहीं पर काम चलाओ अगले सीज़न तक, जैसे बाजरा आ जाएगा, ज्वार का सीज़न भी आ जाएगा, ग्वार का नीरा भी उपलब्ध हो जाएगा, उस तक का हर गौशाला के पास चारा उपलब्ध है। इसीलिए हम प्रशासन से अपील भी करते हैं कि जैसे कोई और गौशाला है जिनमें चारे का भाव है तो उनकी भी मदद करने का वो कष्ट करें। तो अभी आप जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि हाँ, खोल दिया जाए बॉर्डर जो रोक लगाए गए। हाँ हाँ, खोल दिया जाए, जहाँ भी गौशालाओं में है कोई व्यापारी काम ना करे, जिन अगर राजस्थान में गौशाला में तूड़ी जाती है तो जाने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर एक टर्म काम चला उपलब्ध हो गया है और उनको भी उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। और हमारी इस मीटिंग में अभी मतलब वो हनुमानगढ़ जिला के जो शेखावत जी प्रधान है वो भी पहुंचने वाले हैं, हम मिलके दोनों राजस्थान वो वाले और हम उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। एक जब रोक लगाई गई थी तूड़ी पे तो तरह तरह से चर्चाएं देखने को मिल रही थी कि दूसरे गांव की गौशाला में, राजस्थान की गौशाला में तूड़ी जा रही थी, लेकिन हरियाणा की गौशाला ने जबरन जो है और कम पैसे में वो तूड़ी जो है वो अपनी गौशाला में। नहीं नहीं, ऐसी ये तो खाली बकवास की बातें हैं। जैसे हमारी गौशाला में हमने गाँव से अपील की थी एक, और गांव ने बड़ा सहयोग किया था खारिया गांव को गौशाला में, तो उनको 500 रुपये क्विंटल का उनको भाव दिया था, सारा गांव में उन्होंने आपूर्ति की थी। जैसे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ने वहां पे उपायुक्त महोदय ने कर रखा था,
भी जो भी है जो वो पारी है 600 रुपये तो उनको गौशाला देगी और 200 रुपये प्रशासन देगा। तो सरकार ने पूरी मदद की है उनको, ये तो खाली बातें जी हमें लूट रहे हैं या कर रहे हैं, व्यापारियों ने खुद कर रखा था ये, और इन व्यापारियों की वजह से ये तूड़ी के रेट डाउन हुए। सरकार ने थोड़ी सी इस पर लगाम लगाई, इसका सही संचालन किया तो तूड़ी के रेट भी सही आ गए और गौशालाओं में तूड़ी भी पहुँचने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं साहब चर्चा ये भी चल रही है कि जो गौशालाओं में तूड़ी जानी थी उस पर रोक लगी है, प्रशासन ने उसी पर रोक लगाई है, बाकी जो व्यापारियों की तूड़ी जा रही थी वो पैसे के लेन देन से जो है वो सरेआम खुले धड़ाके नहीं 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 जा रही थी। ये तो लोगों का जैसे वो उस बात को बतंगड़ बनाना है तो वो कुछ ही बना ले, ऐसा अगर था तो वो कोई प्रूफ करते हुए ये जा रही है प्राइवेट जा रही है गौशाला वाला भी रोकी जा रही है तो तुरंत एक्शन लेते था प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।